नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। मामले में आज एक और नया खुलासा सामने आया है। ओपी राजभर की पार्टी सुलेदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेंदी राम का नाम इस पेपर लीक मामले से जुड़ा है। बता दें, विधायक बेंदी राम पहले भी पेपर लीक मामले में जेल काट चुके हैं। एक चैनल के सेटिंग ऑपरेशन में सुभासपा विधायक बेंदी राम को उत्तर भारत में पेपर लीक का सबसे बड़ा गिरोह चलाने वाला सरंगना बताया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेपर लीक माफिया बिजेंद्र गुप्ता ने बेंदी राम का नाम लिया है। फिलहाल बेंदी राम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की जनसंख्या सीट से विधायक हैं। उनके ऊपर बाराबंकी में एक बड़े जमीन घोटाले का भी आरोप है, जिसकी जांच वर्तमान में चल रही है। वायरल वीडियो में सुना जा सकता है जिनके पेपर्स रद्द हो गए हैं वे स्टूडेंट अपना पैसा वापस मांगने आए हैं, तो उस पर सुभासपा विधायक बेंदी राम उनको हड़काते रहे हैं और कह रहे हैं कि वो कैसे पेपर लीक और रिजल्ट बदलने का सिस्टम चलाते हैं। बता दें, यह पहला मौका नहीं है जब बेंदी राम का नाम पेपर लीक से जुड़ा है। इससे पहले साल 2014 में रेलवे भर्ती पेपर लीक मामले में वह गिरफ्तार हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने उन्हें लखनऊ के आशियाना एरिया से गिरफ्तार किया था। इसको लेकर सुभासपा विधायक बेंदी राम की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मुझ पर लग रहे आरोप निराधार और बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं है। विधायक बेंदी राम ने दावा करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ आरोप साबित हुए तो तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि आरोप साबित हुए तो पूरी संपत्ति दान में दे दूंगा। एनटीए प्रमुख समेत 10 अधिकारी सीबीआई की राडर पर मामले से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। एनटीए के प्रमुख प्रदीप कुमार जोशी समेत 10 अधिकारी अब संदेह है कि घेरे में आ गए हैं। मामले को हाथ में लेने के बाद से सीबीआई लगातार एक्शन में है। जांच एजेंसी परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न आउटसोर्सर्स कंपनियों के अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी जांच कर रही है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी पर डेस्क रिपोर्ट।